हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री। गायत्री किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दी के दिनों में हमें सब्जी में बहुत सारी चॉइस मिल जाती है, पर बच्चे तो सब्जियाँ खाना पसंद करते नहीं, पर हमको उनको सब्जियाँ खिलाना बहुत ज़रूरी है। आज हम बनाएंगे बहुत सारी सब्जियाँ मिक्स करके वेज कटलेट, जो खाने में तो बहुत टेस्टी होगा ही, साथ में ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। तो आइए बनाते हैं आज ढेर सारी सब्जियों वाला वेज कटलेट। इसके लिए दोस्तों प्लीज़ आप मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में दोस्तों बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों वेज कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 बड़े साइज़ के आलू बॉयल करके छील लिए हैं। इनको हम किसी मैशर के हेल्प से या मैश कर लेंगे या फिर कद्दूकस कर लेते हैं। मैं इनको अच्छे से मैश कर रही हूँ। ये मैश हो चुके हैं तो इनको रखते हैं साइड पे। अब हम लेंगे कुछ ब्राउन ब्रेड। आपके पास जो भी ब्रेड हैं आप ले सकते हैं। मैंने ये किनारे वाले ब्रेड भी लिया है। इसका हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स भी बनकर तैयार हैं, इसको भी रखते हैं किनारे पे। अब जो आलू हमने मैश करके रख दिए थे उनमें डालते हैं ढेर सारी सब्जियां। सब्जियों में हमने लिया है गोभी, ये है आधा कप जो मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये है मटर के दाने, ये भी आधा कप हैं। मटर के दाने मैंने हल्के से क्रश कर लिए हैं। आधा कप है शिमला मिर्च जिसको मैंने बारीक काटा है, और ये है आधा कप कद्दूकस की हुई गाजर। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी बारीक काट कर डाल सकते हैं। साथ में प्याज डालना चाहो तो आप डाल सकते हैं, और बच्चों को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन सी सब्जियां खा रहे हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। ये है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने हरी मिर्च भी बारीक काट कर डाली है, तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा मिर्च नहीं डालूंगी। अगर आपके बच्चे मिर्च खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। एक चम्मच सफेद नमक, 1 चम्मच है काला नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, इसकी जगह आप 1.5 या 2 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। एक कटोरा हरा धनिया, 1/2 ब्रेड क्रम्स हमने बनाए थे उसमें से थोड़ी हम प्लेट में अलग से रख देते हैं जो बाद में काम आएगा, और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे हम इस मिक्सचर में। ये ब्रेड क्रम्स इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। अब ये सारी चीज़ें हम एक साथ मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेते हैं। अगर डो आपको गीला लगे तो इसमें ब्रेड क्रम्स और भी डाल लें। अब ये 3 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है, आप इसकी जगह मैदा या कॉर्न फ्लोर भी ले सकते हैं। इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। घोल बनकर तैयार है। अब थोड़ी सी हाथों में तेल लगाकर अपनी पसंद की शेप वाले कटलेट हम बना लेते हैं। मुझे राउंड शेप वाले ही पसंद हैं तो मैं यही शेप में बना रही हूँ।
अब जो चावल के आटे का घोल हमने तैयार किया है उसमें पहले हम इसको डुबाते हैं। अब जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाए हैं उसमें अच्छे से इसको लपेट देंगे। इसी तरह हम सारे कटलेट तैयार कर लेंगे। अब तेल अच्छे से गरम है तो इसमें इनको अच्छे से फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। और जब तक ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी ना हो तब तक इनको तलना है। अब ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं तो हम इनको पलटते हैं, परंतु ध्यान से क्योंकि तेल बहुत गर्म है तो हम पलटने का काम आराम से ही करेंगे। ये कटलेट दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। सारे कटलेट हम इसी तरह तल लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये बाहर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से नरम मुलायम। आप इनको ग्रीन चटनी, टमाटो सॉस या गर्मा गर्म चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।